हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल डीजी स्टडी पे। आपकी 10th क्लास की ये सीरीज चल रही थी, उसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर चल रहा था। काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं बना पाया और आज से ये दोबारा स्टार्ट हो रहा है आपका। हमारा प्लांट हार्मोन्स तक इसमें हो गया था और आज हम हार्मोन्स इन एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्मोन्स आखिर होता क्या है। ये केमिकल मैक्सेंजर है एक, तो बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट होता है एक स्पेशल टिश्यू से, जिन्हें हम डक्ट लेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जिन्हें या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एक्ट ऑन अ टारगेट ओरिजिनली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। जहाँ से ये सीक्रेट होता है वहाँ पर एक्ट नहीं करता, और जहाँ इसका टारगेट होता है वहाँ एक्ट करता है। हमें कहने का मतलब, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होगा और टारगेट पर एक्ट करता है, तो केमिकल मैसेंजर है ये। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू द केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड द हार्मोन्स। इसमें दिखा रखा है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, एड्रेनल, पेंक्रियास, ओवरी, ये बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मैंने चार्ट बनाया है इसका, और चार्ट के माध्यम से हम इसको इजीली डिस्कस कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं थायरोक्सिन की। ये थायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और थायरॉयड ग्लैंड हमारे कहाँ पाए जाते हैं, नेक या थ्रोट में पाए जाते हैं, गले में। ये क्या कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि इसकी कमी को या इसकी वृद्धि, दोनों को नियंत्रित करता है। दूसरा ग्रोथ हार्मोन है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे माइंड में पाई जाती है, मिड में, और रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है एड्रेनल, पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रेनल ग्लैंड। ये रेगुलेट करता है हमारे ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अच्छा, नॉर्मल में तो हमारे थायरोक्सिन करता है, लेकिन जब इमरजेंसी कंडीशन आती है, जब हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है, तो कौन एड्रेनल ग्लैंड करता है, हमारी मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म केवल, वो प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म को रिएक्ट करता है। सेक्स हार्मोन्स की बात करें, दो हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में एस्ट्रोजन पाया जाता है। ये जेनाइटल लोअर एब्डोमिनल एरिया में पाया जाता है। ये एसोसिएट विद द प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब सेक्सुअल प्यूबर्टी कंडीशन आती है उस समय जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है फीमेल और मेल के अंदर, उसको रेगुलेट करते हैं हमारे ये दोनों सेक्स हार्मोन्स। नेक्स्ट इंसुलिन, पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, स्टमक के नीचे पाई जाती है, रिड्यूस द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसको रेगुलेट कौन करता है, हमारा पिट्यूटरी। अब बात करते हैं आयोडीन सेल सॉल्ट्स नेसेसरी क्यों है हमारे लिए। आयोडीन इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन्स, सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट द मस्ट बी कंज्यूम आयोडीन सॉल्ट्स इज टर्न टू इसेंशियल फॉर द थायरॉयड ग्लैंड्स इज द कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन बॉडी। थायरोक्सिन मैंने बताया था अभी कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की नीड होती है। तो अगर आयोडीन की नीड कमी हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और जिससे क्या होता है कि जो हमारी ग्रोथ, जो इस ग्रोथ हमारी रुक जाती है, और गले में हमारी थायरॉयड ग्लैंड होती है वो स्वेलिंग कर जाती है। इस डिजीज को बोलते हैं गोइटर। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, गोइटर। डायबिटीज क्योर, इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। अगर हमारे इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होता पेंक्रियास से, तो क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और इसमें फिर थायरोक्सिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो जिससे ब्लड शुगर लेवल बना रहे। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म, द मेक श्योर दैट द हार्मोन शुड बी सीक्रेट इन प्रिसाइज क्वांटिटी एंड राइट टाइम विच इज रेगुलेट द फीडबैक मैकेनिज्म। कितना हार्मोन सीक्रेट होना है, किस समय सीक्रेट होना है, तो उसको रेगुलेट कौन करता है, हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। तक है फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे मैं एग्जाम्पल लिया शुगर का, डायबिटीज़ का, शुगर लेवल जैसे ब्लड में राइज हुआ एंड डिटेक्ट बाय द सेल ऑफ पेंक्रिया, पेंक्रिया सेल इसे डिटेक्ट करेंगी, और सिंथेसिस ऑफ द इंसुलिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड शुगर लेवल, जब इंसुलिन बनेगा तो इंसुलिन क्या करेगा, उस ब्लड शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और वो हमारे लिवर में जाकर स्टोर हो जाएगा एंड स्टॉप द सीक्रेशन ऑफ द मोर इंसुलिन, और इसका सीक्रेशन को स्टॉप कर देगा। तो ये था आज का, आपका चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी बच्चे जो भी हैं उन्हें शेयर करें इस चैप्टर को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को लाभ उठा सकें। इसमें कुछ एक्स्ट्रा के क्वेश्चन है, अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।